वेलकम टू स्पर्श हैक्स। मेरा नाम है स्पर्श महाजन। आपको याद है कि हमने एक ड्रोन बनाई थी? अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मैंने सोचा कि क्यों ना कोई अलग टाइप के ड्रोन बनाते हैं। तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे अवेंजर्स का ये हेली कैरियर। अब जल्दी से देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। सबसे पहले हमने 2 आइसक्रीम स्टिक्स लिए हैं और उन्हें ज्वाइन कर लिया है। अब देख सकते हैं कि अप्रोप्रिएट प्लेसमेंट के लिए हमने ये लाइन्स ड्रॉ कर ली थी और फिर इन्हें ऐसे पेस्ट कर लिया है। अब हमने एक आइसक्रीम स्टिक लिया और इसको हाफ कट कर लिया है। यहाँ पे हमने एक स्लॉट बना लिया है ताकि हमारी ड्रोन मोटर यहाँ पे ऐसे स्लॉट में फिट हो सके। तो इस एक्सटेंशन को हम यहाँ नीचे की साइड ऐसे पेस्ट कर लेंगे चारों साइड्स। अब हम कंट्रोलर बोर्ड को ऊपर और बैटरी को नीचे अटैच कर लेंगे रबर बैंड से। हमने कंट्रोलर बोर्ड को और बैटरी को अटैच कर लिया है। आप चाहो तो आप 2 रबर बैंड भी लगा सकते हो सिक्योरिटी के लिए। अब मैंने लिया है ये ड्रोन कैमरा एंड दिस इज अ वाईफाई कैमरा। अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो इसका भी बेस्ट बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ये हमारी ड्रोन की फ्रंट साइड है तो हम इस कैमरा मॉड्यूल को फ्रंट साइड से ऐसे अटैच कर लेंगे। मैं नीचे के रबर बैंड पुल करके इसे अटैच करूंगा। मैंने इस कैमरा मॉड्यूल को अटैच कर लिया है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सारी चीज़ें रबर बैंड से क्यों अटैच कर रहा हूँ। एक तो मुझे अपनी ड्रोन का वेट कम रखना है ताकि वो अच्छे से फ्लाई कर सके और दूसरा ताकि मैं इन सारे कंपोनेंट्स को रीयूज कर सकूँ। दीज कंपोनेंट्स आर वेरी एक्सपेंसिव। अब हम इसके ऊपर मोटर लगाएंगे। इसके नीचे स्टैंड करने के लिए हम थर्माकोल के पीसेस लगा रहे हैं। हमने थर्माकोल के ये 4 पीसेस कट किए हैं और इन्हें हम यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे चारों साइड पे। हमने कार्डबोर्ड का पीस कट किया है इन द शेप ऑफ अवेंजर्स हेली कैरियर और हमने इसका ये रनवे कट कर लिया है और इसे हम यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। हमने एक और पीस बनाया है और इसे हम यहाँ पेस्ट कर लेंगे। Now it's painting time. Let's paint this. We have painted our Avengers Heli Carrier. और अब हम इसे यहाँ पे paste कर लेंगे। पेस्ट करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोपेलर्स बॉडी को ना टच करें। हमारा अवेंजर्स का हेली कैरियर रेडी हो गया है और आप देख सकते हैं कि मैंने इसे अपनी प्लूटो ऐप से कनेक्ट कर लिया है। और इसकी मोटर्स टेस्ट करते हैं। ड्रोन सेटिंग्स, मोटर 1 इज वर्किंग फाइन, मोटर 2 आल्सो, 3 is also working,
4 is also okay. आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोपेलर बॉडी को ना टच करे। अब मैं आपको चार मोटर चला के दिखाता हूँ। Now my drone is ready to fly. फ्रेंड्स आपको याद है कि हमारे ड्रोन का वेट 70 ग्राम से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो आओ देखते हैं इसका वेट क्या है। इसका वेट है 76 ग्राम्स। क्या ये उड़ेगा? जैसे कि मुझे लग रहा था इसका वेट थोड़ा ज्यादा हो गया है, तो हम इसका वेट थोड़ा कम करना पड़ेगा। हमने जो इस पे हेडक्वार्टर्स बनाए थे हम उसे रिमूव कर रहे हैं ताकि इसका थोड़ा वेट कम हो। लेट्स ट्राई अगेन। वी आर बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। हमने अपने ड्रोन में कुछ चेंजेस किए हैं। ये जो एक्सटेंशन थी इन्हें हमने हटा दिया है और ड्रोन का साइज छोटा कर दिया है। हमने मोटर्स की हाइट इंक्रीज कर दी है, तो हमने इन्हें थर्माकोल के पीसेस के ऊपर पेस्ट कर दिया है। हाइट इंक्रीज करने से हमारा ड्रोन बेटर फ्लाई करेगा। हमने प्रोपेलर्स भी चेंज कर लिए हैं। अब हम इसके ऊपर कैमरा मॉड्यूल फिर से अटैच कर लेंगे और इसके ऊपर हम एक ये पीस लेंगे और इसे इसके ऊपर यहाँ पे रख के फिर रबैंड को ऊपर लेके इन दोनों को अटैच कर लेंगे। हमने ये रबैंड अटैच कर लिए हैं और अब हमने थर्माकोल के टू पीसेस लिए हैं, इन्हें हम यहाँ पे और यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे हॉट ग्लू गन से। जो हमने पहले हेली कैरियर बनाया था हमने इसका छोटा वर्जन बना लिया है और इसे हम इनके ऊपर ऐसे पेस्ट कर लेंगे। टाइम टू ट्राई दिस अगेन। क्या ये उड़ेगा अब? लेट्स सी। एंड नाउ आई एम स्विचिंग इट ऑन। लेट्स फ्लाई इट। मेरा हेली कैरियर उड़ नहीं रहा था और अब मुझे समझ आया कि इसकी जो एक्सटेंशंस थी वो एयर फ्लो को रोक रही थी, तो मैंने उन्हें भी काट दिया है। आई एम श्योर इट विल फ्लाई नाउ। आपको समझ आया होगा कि जितनी चीज़ें सिंपल दिखती हैं उतनी कभी कभार होती नहीं हैं। देखो मैंने क्या सोचा था और ये किस शेप में वर्क किया। बट यू हैव टू कीप ट्राइंग एंड यू विल सक्सीड। तो आप इसे जल्दी से बनाओ और फोटोज हमारे साथ फेसबुक पे शेयर करो। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय।